हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एम कॉम वाले टेंशन मत लो, जो तुम्हारा नया सब्जेक्ट आया है पूरा अकाउंटिंग ऑफ हाउसिंग सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो जो तारक मेहता में बीड़े है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी, उसका अपने को अकाउंट बनाना है। तो ये किताब में क्या क्या सीखना है तुमको मालूम है क्या? दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे तुमको 14 और 12 मार्क का। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर आएगा, ठीक है? तो मैंने पूरा अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, नंबर पे भेज देना, सॉल्यूशन दे दूंगा तुमको, ठीक है? प्यार से गुरु दक्षिणा भी मार देना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंफर्म प्रॉब्लम आएगा, तुमको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, इसका फॉर्मेट रहता है। और एक तुमको ना सम आएगा, क्लब का अकाउंट बनाना है, हॉस्पिटल का बनाना है, लाइब्रेरी का बनाना है, जो तुम लोगों ने 12th में प्रैक्टिस किया था ना NPO, उसका क्लब का अकाउंट बनाना एकदम ईजी है। ये दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। फिर बीच में एक टॉपिक है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ऑडिट करना रहेगा। तो ये तुमको शॉर्ट नोट या आंसर में आएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे ऑडिट करते हैं, राइट? ऑडिटर, तो ChatGPT में तुम लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, 10 पॉइंट लिख लिया ना अच्छे से, कुछ भी है वो आंसर उठा के डाल दो, तुम्हारा इधर मार्क्स मिल जाएगा। और एक आएगा इंट्रोडक्शन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, डोनेशन के लिए होता है, NGO होता है, वो क्या होता है, वो भी तुमको ChatGPT में मिल जाएगा अगर बुक नहीं है तो। ओके, तो दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, मैंने अपलोड कर दिया, तुमको मिल जाएगा, ठीक है? बस इतना ही बोलने का था। और जो भी डाउट रहेगा नंबर पर मैसेज कर दो, या तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा। तो अच्छे से पढ़ लो, KT मत लगाना बच्चे लोग, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।